10 वर्ष के आरव भारद्वाज के दिल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए दीवानगी इतनी है कि मणिपुर से दिल्ली के लिए अपनी साइकिल से यात्रा करने निकल गया। आरव भारद्वाज का अररिया के मोहिनी देवी स्कूल में भव्य स्वागत किया गया। देखिए एक रिपोर्ट। मणिपुर की INA मेमोरियल से दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल करीब 2500 किलोमीटर की यात्रा पर निकले आरव भारद्वाज, जिनका अररिया के मोहिनी देवी स्कूल में भव्य स्वागत किया गया। पेशे से डॉक्टर अतुल भारद्वाज के 10 वर्षीय पुत्र आरव को उनके दादाजी नेताजी की कहानियां सुनाया करते थे। इसी से प्रभावित होकर आरव ने यह कठिन फैसला लिया और निकल पड़ा। सुभाष चंद्र बोस की तरफ ज़्यादा था, तो जैसे कि पिताजी ने भी बताया होगा, आरव ने ही बताया होगा कि वो काफ़ी हद तक उनका स्टोरी सुनाते थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की और फ्रीडम फाइटर्स की। तो इस साल जब ऑनरेबल PM मोदी जी ने डिजिटल स्टैचू होलोग्राम वाला जो इंस्टॉल किया था नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली पे, तो आरव ने कहा कि मुझे वहाँ जाना है। तो उसी उपलक्ष्य में फिर हमने सोचा कुछ अलग किया जाए। 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव है, 125वीं बर्थ एनिवर्सरी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, तो हमने ये प्लान किया क्यों ना हम एक काम करें कि जहाँ पे नेताजी ने सबसे पहली बार हमारा INA का ट्राइकलर होइस्ट किया था, जो INA मेमोरियल मोरंग में मणिपुर में, वहाँ से हम यात्रा शुरू करेंगे। इसी कारण हमने 14 अप्रैल को वहाँ से यात्रा शुरू करी और मैंने कहा अब हम नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली जाएंगे तो इस ट्रिप से होके ही जाएंगे। INA मेमोरियल मोरंग से साइकिल यात्रा पे चले हैं 14 अप्रैल को और ये यात्रा जाएगी नेशनल वॉर मेमोरियल नई दिल्ली, जो है 2500 किलोमीटर, वो भी 32 दिन में। तो पहले तो मैं ये यात्रा कर रहा हूँ, मैं ये यात्रा 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस और 125वीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के लिए कर रहा हूँ। जब साहसी आरव अररिया पहुँचा तो स्कूल के प्रधान और सांसद प्रदीप सिंह ने फूलों से उसका स्वागत किया। वही अररिया के लोगों ने इस मासूम व बहादुर बच्चे को दिल से लगा लिया। सांसद ने कहा कि नेताजी के लिए इस बच्चे के लिए जो दीवानगी और जुनून है वो काबिले तारीफ है। राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है, जो इनके इनके मन में जो उद्गार है, वह आज देखने को मिल रहा है। मणिपुर से चल के दिल्ली वार मेमोरियल हॉल तक ये जाएंगे, निश्चित रूप से इनको मैं बधाई देता हूँ और पूरे देश के तरफ से मैं बधाई देता हूँ। देश के लिए, समाज के लिए ज्वलंत उदाहरण है। इस तरह का 2500 किलोमीटर बच्चे जो हैं 10 साल के बाद में साइकिल से यात्रा किए हैं, तो हम लोग अपना विद्यालय से बच्चे से भी इस तरह प्रेरणा मिल रहा है, तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। और आज़ादी का अमृत महोत्सव और नेताजी का 125वां जयंती पर इस यात्रा का देशभक्ति भी जगाता है, राष्ट्रभक्ति साथ साथ यहाँ समाज। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती, स्वतंत्रता का 75वां वर्ष के उपलक्ष में आरव का यह साहसिक कदम न सिर्फ नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है बल्कि नेताजी के लिए जुनून भरी। हमें अपने पुरखों की जड़ें मजबूत रखने की भी सीख दिलाता है। 22 के लिए अररिया से राकेश की रिपोर्ट।